हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंकाज किचन। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। वो है एग मायो सैंडविच। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं। एग मायो सैंडविच बनाने के लिए इधर मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप कौन से भी ब्रांड का कौन सा भी ब्रेड ले सकते हो। 4 उबले हुए अंडे, 2 चम्मच एग मायो, मैंने एग मायो लिया है, आप कौन सा भी फ्लेवर का मायो ले सकते हो। टेस्ट के लिए नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल दीजिए। इधर मैंने बाउल लिया है, इसमें एग्स डालेंगे और इस एग्स को फोर्क की मदद से थोड़ा क्रम्बल करेंगे। ज़्यादा स्मैश नहीं करना है, हल्का सा क्रम्बल ही होना चाहिए। तो इसी तरह से एग को मैंने स्मैश किया है, मीन्स क्रम्बल किया है। इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा ही डाल दीजिए क्योंकि मायो में नमक होता है। थोड़ी काली मिर्च पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मायोनीज और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक का मिक्सचर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगा तो फिर से 1 चम्मच मायोनीज डाल सकते हो। तो इसी तरह से मिक्स होके तैयार है। इधर मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है और ये ब्रेड स्लाइस के किनारे कट करेंगे। आपको पसंद है तो रख दीजिए। और ये साइड वाले किनारे है, इसे आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो और ब्रेड उपमा भी बना सकते हो। इसे फेंक के मत दीजिए। ये जो ब्रेड स्लाइस है, इसके ऊपर आपको पसंद है तो बटर लगा सकते हो। अब मैं इसके ऊपर 1 का मिक्सचर स्प्रेड करूँगी, अच्छी तरह से गाढ़ा वाला लेयर देंगे। इसी तरह से इसके ऊपर फिर से 1 ब्रेड स्लाइस रखेंगे और फिर से इसके ऊपर भी 1 का लेयर देंगे। आपको सिर्फ 1 लेयर ही चाहिए तो आप 1 लेयर से बना सकते हो, 2 लेयर चाहिए तो 2 लेयर बना सकते हो। तो इसी तरह से बनकर तैयार है। इसे डायमंड में कट कर सकते हो, नहीं तो इसी तरह से भी आप कट कर सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से झटपट ब्रेकफास्ट के लिए टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी है। जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। और हमेशा की तरह मेरे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।